ये पूरे बेंचेस हटा रहे हैं, बेंच हटा रहे ना, ऐसे पूरा पीछे लेके जा रहे हैं इसके गाड़ी का पीछे का। हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा साथियों। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं कार्तिक स्वामी के मंदिर। ये पुणे ओल्ड हाईवे पे ही एकदम है। अगर आप टूवर्ड्स पुणे की तरफ जा रहे हो तो कावेरी होटल से टर्न मारेंगे तो सीधे ही आप आ जाएंगे कार्तिक स्वामी के मंदिर। एकदम नेचर हिल के पास से एकदम कनेक्टेड है। और पार्किंग का लॉट देखिए कितना बड़ा है यहाँ पर। ये एकदम पास में था इसलिए यहीं पाए। पता खुल नहीं रहा है। रिमझिम बारिश भी हो रही है। मेरा पिंक पिंक मैचिंग हो गया जरा। तो इस साइड कर लो दोनों जन। कैसे कौन से रास्ते से जाना? इस रास्ते से या उस रास्ते से? मैं तो इधर से ही जाऊंगी। ठीक है, इधर से आते वक्त नहीं नहीं छोड़ दो। तेरे गुस्सा देखो उसका। बाय बाय जा। कितना गुस्सा दिखाओगी? इन लोगों का गुस्सा झगड़ा चल रहा है कि दो रास्ते हैं। एक को बोले सीढ़ी से जाना है और ये बोल रही है कि इधर से ये वाले रास्ते से जाना है। दोनों के बीच में फंसा। कार भी ऊपर तक आप लेके आ सकते हैं। वहाँ पार्क की हमारी ब्लू कार। ऐसे ऐसे ये रोड से आप ले जाके कार ऊपर भी पार्क कर सकते हो। इस मंदिर में जाने के बाद ऐसा लगेगा कि आप किसी मंदिर में आ गए हो। साउथ के पूरा उसी शैली से बना हुआ है। तुम मेरे साथ मत आया करो, घर पे रहा करो। इसको क्यों लेके आते हो? झगड़ा करती है मेरे से। अरे मेरी गुड़िया इतना पढ़ाई करती है, अच्छी लड़की है कि इतना झगड़ा गुस्सा नहीं कर रहा। और ये देखो सिद्धू कैसा दिख रहा है। देखो देखो अब उसको मिलता है, मेरे को फूल नहीं मिलता। उसको क्यों मिलता है? अरे यार तोड़ो मत, रहने दो। तुम भेंट ले लो इसके साथ। एक सूचना है, मंदिर बंद है। हाँ हाँ 5 बजे खुलेगा। मुझे 3 चाहिए। ओ तेरी की, इसीलिए तो भीड़ नहीं है। और तेरी की अभी हमें 1.5 घंटे लगेंगे। चलो सिद्धि की मुराद पूरी करते हैं, इसे जाते हैं। तो हम लोग मुरुगन स्वामी यानी कि कार्तिक स्वामी के मंदिर के बैक साइड में आ गए। सुंदर लग रहा है पूरा, एकदम फॉरेस्ट हिल एरिया एकदम। ये पूरा बैक साइड एरिया है मुरुगन स्वामी टेम्पल का। यहाँ पे गेट भी है एक, देखते हैं गेट क्या है वो। इन लोगों को तो ऐसे लग रहा है जन्नत में आ गए। ऐसे लग रहा है कहीं जानो ना निकल जाए। बहुत अच्छा भी लग रहा है। तुम क्या कर रही हो? ओए मोर की आवाज आई, मोर की आवाज है, पता है कहाँ? अंदर से है स्पॉट। कहाँ तक चले? कहाँ तक? वहाँ तक। चलो चलते हैं। रोशनी है थोड़ी। हाँ चलो, उसके बाद देखेंगे नहीं वापस। हाँ हाँ डर लग रहा है इसलिए नहीं जा रहे हैं। कोई गया है तो बताए कहाँ जाना है, क्या है उधर। हाँ भाई हम लोग को डिस्क्रिप्शन में बता, मतलब कमेंट करके बता देना कि हम लोग जा सकते कि नहीं। आगे कार भी आ रही, देखो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, कार जा रही है। जो कार भी जा रही है यहाँ पर, अंदर है कोई स्पॉट। यहीं से आवाज आ रही है मोर की। ओए हम, मुझे मोर का सुनाई नहीं। अरे आप देखो कितने सारे फूल हैं। हाँ आरु तो प्लान बना लिया आगे जाने का। हाँ हाँ आवाज तो आ रहा है मोर का, पता नहीं कितना दूर लेके जाएगी आरु। रहने दे, अरे हाँ तूने सही बोला, सब माउंटेन पे चढ़ाई कर रहे हैं आज ये तो। सही बोला तूने। अरे क्या गजब का व्यू है, खतरनाक एकदम, पूरा घनादार जंगल एकदम। बहुत अच्छा खासा हाइट पे आए। अरे देखो गाड़ियाँ सब यहीं पार्क लगी हैं। अरे आ गए हम लोग तो बेस कैंप तक। अब यहाँ से एवरेस्ट की चढ़ाई चल सकते हैं। यहाँ भी बहुत लोग दिख रहे हैं, बहुत लोग दिख रहे हैं। पूरा पता कर रही है क्या है। बता रू क्या है तेरे को, क्या बन पड़ा? पुल पे जाने का उधर है, टंकी में जाने का इधर है। भाई यहाँ से भी लोग ट्रैकिंग करते पहाड़ में। चले आरू वहाँ से पहले बोली उतना चलते, फिर उतना उतना चला चलाते यहाँ लेके आ गई। चला जा चलते सीधी।
देखो मैंने लकड़ी से तोड़ी थकी है। चलो पूरी खतरनाक जंगल है, लोग यहाँ पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं। आजा बेटा चलेगी माउंटेन पे, तू पहाड़ पे लेके जा रही है चढ़ाने? अरे भाई मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, थक जाऊंगा मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगा। और लोग बच्चे बच्चे भी लेके चढ़े क्या? कोई बच्चे भी लेके गए लोग रनकोट पहना के? हमारे से कार्तिकेय स्वामी मंदिर, कार्तिकेय स्वामी जी ने कहा और तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया, बोले पहाड़ करके आओ। ना मंदिर का द्वार बंद होता ना हम यहाँ तक आते, यहाँ से नहीं जाना है, प्रतिबंधित क्षेत्र, वन विभाग है ये। इधर बहुत सारे लायन टाइगर और सब एनिमल्स निकलते हैं, सबसे बड़े तो पहले इंसान निकलते हैं यहाँ से, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया। जाओ जाओ कुछ नहीं। अरे जहाँ बंद होता है वहीं पर तो जाने का मजा आता है ना गाइस, जहाँ लिखा रहेगा स्लिपरी है वहीं पर जाएंगे लोग, मजा ले लें। देखो स्लिप हो रहा है कि नहीं, उसको जांच करने। जो पिछले 5 दिन पुणे में बारिश हुई है ना, यही सब एरिया था। मैं भाई साहब भगवान, हाँ अच्छा अच्छा, हम लोग मुकई माता मंदिर गए थे ना, चौराई देवी, ये सब जैसे पहाड़ जुड़ा हुआ है ना, ये घोड़ेश्वर सब जुड़ा हुआ है आपस आपस में। हाँ, ये घोड़ेश्वर का रहेगा ये? नहीं घोड़ेश्वर का ये नहीं है, मतलब इस उसके बाजू में रहेगा। हाँ मतलब इसके बगल में ही रहेगा। राइट, बताओ लोग ऊपर ऊपर तक कैसे गए हैं, आवाज आ रही लोगों की वहाँ से। अच्छा मोर देख कितने सारे, कितने सारे मोर है दिख रहे क्या वहाँ से मोर? बताओ भाई कार्तिक स्वामी के मंदिर के बगल में, मतलब पीछे साइड में मोर दिख रहा है क्या? पता है क्या सिद्धि आपको कहाँ से दिखता है? सिद्धि को सब मेरे पता रहता है कहाँ से क्या दिखता है। चलो क्या हुआ, इतना अच्छा फ्लावर, ये फ्लावर तो इस ड्रेस से मैच हो रहा है, मैं देखा ही नहीं, कलर हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मस्त वेदर है। और भगवान कार्तिक जी की इतनी महिमा रही कि हम लोग ये रास्ता में आ गए, नहीं तो ये मालूम ही नहीं पड़ता हमें। हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा जय, हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा। इतना हम लोग घूम टहल के आए और जैसे मंदिर के पास पहुंचे इतनी तेज बारिश हो रही, तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए और अभी बजने वाले हैं 5-15 मिनट और है मंदिर खुलने में, दर्शन करके ही घर पे जाएंगे। और लोग इतनी तेज बारिश हो रही है, ये देखो कि पिछले 1.5 घंटे से इधर उधर चल ही रहे हम लोग, हाथ में खुजली होने लगा, पैर में भी बहुत अच्छा काट होता था, इसलिए मैं बोल रही थी काटी के मैं गए थे शाम, बहुत दूर था, बहुत दिन हो गया था। तो जय कार्तिक स्वामी। क्या करें महादेव के पास, सिद्धि के महादेव मिल गए, देखो रख दो, भगवान जी है भैया, गले में पहनते हैं भगवान जी। चलो जय करो, चलो सब सही जगह लगा दी, ये चढ़ा दी, देखो पत्ती सब अच्छे जगह चढ़ा दी, सब उधर था, जय कर लो अभी, ओम नमः शिवाय बोल दो, उसको रहने दे, नीचे रख दो, बस बस नीचे रख दो, जय कर लो, तीन बेल पर चढ़ा दी, बस जय भी तो कर दिया करो। अरे मोर, अरे मोर, पूरा एकदम जंगली है नीचे की तरफ, तमाम मंदिर हैं इस प्रांगण में। तो अभी हमने दर्शन किया बालाजी का और पद्मावती जी का भी, बहुत ही अद्भुत और शांत वातावरण है यहाँ का। इस मंदिर में जैसे बताया ना मैंने और आपने देखा भी इससे पहले, सभी प्रकार के मंदिर हैं, यानी बजरंग बली के, गणेश जी के, बालाजी के, पद्मावती जी की, साईं बाबा का, सभी तरह का मंदिर है, लेकिन प्रमुख मुख्य मंदिर जो है यहाँ का कार्तिक स्वामी मंदिर है। सिद्धि ने कितने टीका है तुमको भी, मुझे भी ना, हाँ ना बहुत टिक्का ही लगा, हाँ मैं भी टिक्का लगा, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, अच्छा बोलेंगे इससे अच्छे शब्द निकलेगा।
गंदा नहीं बोलेंगे। और हमारे यार उसे भी दो शब्द सुनते चलिए। बहुत भूख लग गई है। अभी चलिए कुछ बनाओगी? नहीं तो मैं खिला दूंगी तो अच्छी बात है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ खिलाने के लिए, लेकिन खुद ही कहती है कि मैं घर पे बना लूँगी। सो खैर चलते हैं हम घर की तरफ। थकाई भी लग चुकी है, भूख भी लग चुकी है, और आपको भी कुछ नई जगह मालूम पड़े पुणे में तो हमें ज़रूर टैग करके बताना, क्योंकि हम सब जगह घूम लिए हैं, कुछ मिलता ही नहीं है। अब हम भगवान के ऊपर छोड़ दिए कि नई जगह क्या है, लेकिन आज थोड़ी सी नई जगह देखने को मिली। एक थोड़ा सा फॉरेस्ट का हम लोग ने मस्त एंजॉय किया। इसी तरह प्यार बनाए रखना। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।